नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पंजवारा से 10 किलोमीटर दूर एक रेलवे हॉल्ट है, यानी कि जहां पर ट्रेन रुकती है, और इसका नाम है पंजवारा रोड। सोचिए, पंजवारा से 10 किलोमीटर दूर है लेकिन इसका नाम है पंजवारा रोड। आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसका नाम है पंजवारा रोड हॉल्ट, यानी कि पंजवारा इतना फेमस है कि देखिए 10 किलोमीटर दूर भी एक रोड यानी कि रेलवे हॉल्ट है, यहाँ पर ट्रेन रुकती है और यहाँ से भागलपुर तक की ट्रेन मतलब चलती है, यहाँ से ट्रेन भागलपुर तक जाती है। अभी हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन पंजवारा रोड से स्टार्ट हो चुकी है, तो भागलपुर जाने में लगभग 1.5 घंटा का समय लगता है, और जितना बस से लगता है उतना अभी ट्रेन से भी समय जाने में लगता है। हम ट्रेन के अंदर है और देख सकते हैं आप लोग कि बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे हुए हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पंजवारा से भागलपुर जाने का सस्ता उपाय। वैसे अब बस से जाएगा कोई भी तो कितना रुपया, 100 रुपया भाड़ा लग जाता है, लेकिन वहीं अगर आप ट्रेन से जाइएगा तो मात्र पंजवारा रोड से 10 रुपया में भागलपुर पहुंच सकते हैं। तो हमको भी जब शुरू जब जाते थे भागलपुर, रहते थे भागलपुर में, तब हमको पता नहीं था कि ट्रेन से भागलपुर भी जा सकते हैं, लेकिन 3-4 महीना बाद हमको पता चला था कि ट्रेन से भी भागलपुर जाया जा सकता है। तब से हम हमेशा प्रयास करते हैं कि ट्रेन से भागलपुर जाएँ, क्योंकि कम खर्च में पहुंच जाते हैं भागलपुर। तो देखिए, आप लोग भी अगर मतलब 10th का परीक्षा दे चुके हैं कोई भी, अगर भागलपुर में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो नहीं पता होगा सबको कैसे जाते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि पंजवारा रोड से ट्रेन पकड़ के हम लोग भागलपुर 10 रुपये में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, शाम का समय है और 6 बज चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है, खेतों में हरियाली है, और जैसे सोचिए बचपन में अगर ट्रेन पर जाते थे तो क्या लगता था कि पेड़ जितने भी पेड़ पौधे हैं और जो भी है सब कोई भाग रहा है और हम लोग चलते जा रहे हैं। उसी तरह कुछ दृश्य देखिए हैं, और आप लोगों में से बहुत कोई जो मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत लोग हमको लगता है कि ट्रेन पर अभी तक नहीं बैठे होंगे। ठीक है, बहुत कोई होगा जैसे बहुत कोई बोलता है अभी भी कि हम ट्रेन पर अभी तक नहीं बैठे हैं, तो वहीं लेकिन चलिए देखिए, तो दृश्य तो अच्छा है, सब जितने पेड़ पौधे रास्ते में हैं सब भागते जा रहे हैं, भाग नहीं रहे वैसे तो हम ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक बार पूरा ट्रेन देख लीजिए, इस तरह कुछ ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है, और केवल जो है इस बोगी में जो है केवल बैठने वाला ही सीट है, सोने वाला और उसको सीट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ट्रेन है कुछ, इसको हम पीछे वाला कैमरा से आपको दिखा देखिए, यात्रीगण बहुत सारे बैठे हुए हैं और इधर खुला है, पूरा खुला, इधर ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और इधर से बाहर का दृश्य कुछ इस तरह का है, शाम हो चुका है, यहाँ पर पकड़ने वाला सब है बहुत सारा, और इस तरह देखिए शाम का समय, बाहर अंधेरा होने वाला है। तो यही कुछ दृश्य, और हम बैठे थे उधर सीट पर, जाते फिर वहीं पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भागलपुर जंक्शन पर, और देख लीजिए इसी ट्रेन से आए थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ भागलपुर जंक्शन, देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ उतर चुके हैं और इसी ट्रेन से आए हैं। अब चलिए चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर, वहाँ से निकलेंगे बाहर और आपको सामने से भी दिखाते हैं कि कैसा है भागलपुर जंक्शन। अंधेरा है, इस सबसे लास्ट वाला प्लेटफार्म पे हम लोग उतारा गया है, और ये जो ट्रेन है जो आती है वहाँ से सबसे लास्ट प्लेटफार्म पर आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अंधेरा यहीं पे है। चल, तो इधर से आगे जाने का रास्ता है ऊपर, अंधेरा अंधेरा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सीढ़ी है, रात के समय ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रहा है भागलपुर जंक्शन, देख सकते हैं आप लोग। आगे हैं लिफ्ट,
प्लेटफार्म नंबर वन, यहाँ प्लेटफार्म नंबर वन, यहाँ से अगर नीचे उतरेंगे तो प्लेटफार्म वन पर जाएंगे। लेकिन चलते हैं आगे, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएंगे बाहर, स्टेशन के बाहर। उधर भागलपुर सिटी उधर है और ये है स्टेशन का ही परिसर है। वहाँ पर ऑटोमेटिक जाने आने वाला लिफ्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। चलिए इधर भागलपुर स्टेशन तो इस तरह दिखता है, भागलपुर शहर। नाम तो है स्मार्ट सिटी भागलपुर, लेकिन स्मार्ट कहने में थोड़ा शर्म आता है। चलिए देखिए, अब आ चुके हैं 6 नंबर प्लेटफार्म से नीचे, मतलब वहाँ से आ चुके हैं आगे स्टेशन के आगे, और सबसे फ्रंट में कुछ इस तरह का व्यू है, लिखा गया भागलपुर जंक्शन, देख सकते हैं आप लोग ऊपर में, और वहाँ पर भी लिखा हुआ भागलपुर जंक्शन, इधर लाइट लगा हुआ है, और वहाँ पर एक तिरंगा झंडा था लेकिन अभी शायद हटा दिया गया वहाँ से तो। और इधर बहुत सारा रिक्शा भीड़ भाड़ तो रहता ही है स्टेशन पर, क्योंकि स्टेशन है कुछ बड़ा स्टेशन है भागलपुर स्टेशन। और आगे का इस तरह है भागलपुर सिटी, देख सकते हैं। और इधर देखिए पीछे फिर से ये भागलपुर जंक्शन। रात में हम जहाँ भी आते हैं रात में ही आते हैं, बताइए दिन में आते तो और अच्छा दिखता, तो ऐसा है। और यहाँ पर लिखा गया है आईएम भागलपुर जंक्शन। यहाँ पर भी लोग पहले आते हैं, मतलब दिन रहता था आदमी फोटो खिंचाता है यहाँ पे। आई एम भागलपुर जंक्शन, अंदर में छोटा सा पार्क भी था, लेकिन अभी शायद कुछ नहीं आप सक। तो हम अभी अपने रूम पर आ चुके हैं जहाँ पर हमको रहना है, और इस वीडियो का मतलब बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोग जाने कि भागलपुर दो तरह से आ सकते हैं, एक बस पकड़ के, बस से 100 रुपये भाड़ा लगता है, और एक ट्रेन पकड़ के, जो कि ट्रेन पंजवारा रोड से पकड़ना होता है और भागलपुर के लिए, ठीक है, वहाँ पर ट्रेन का टिकट मात्र 10 रुपया लगता है। लेकिन ऐसा स्थिति है पंजवारा रोड का कि वहाँ पर टिकट भी नहीं कटता है, टिकट काउंटर था लेकिन बंद था, और हमेशा जब से आ रहे हैं 2-4 दिन से, मतलब जब भी भागलपुर आए हैं तो टिकट काउंटर बंद ही था, यानी कि वहाँ टिकट काउंटर चालू नहीं है। ये कह सकते हैं पंजवारा रोड से फ्री में भागलपुर आदमी आ सकता है, लेकिन पंजवारा रोड तक आने के लिए ऑटो का भाड़ा लगता है 30 रुपया, और जो है ऑटो बजरंगबली चौक से वहाँ से आसानी से मिल जाती है, और वहाँ से आप पंजवारा रोड जा सकते हैं। तो बस यहीं इस वीडियो में हम बताना आप लोगों को चाहें, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।